सर्वप्रथम मैं आज आभार व्यक्त करता हूं समस्त हमारे सम्माननीय अतिथि गणों का और जितने इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता कर रहे हैं समस्त छात्राध्यापकों का। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आज उभर करके आई है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को किस प्रकार से हम पुनर्जीवित करें और उस ज्ञान परंपरा को कैसे आगे बढ़ाएं, उसके संबंध में हमें आज महत्वपूर्ण विचार सुनने के लिए मिले। एक जो अन्य जो दर्शन शास्त्र की जो एक अवधारणा होती है कि अंतरंग से कि हमारा बहिरंग हमने बहुत सुंदर बनाने का प्रयास किया है, पर क्या उसके अनुपात में हमारे अंतरंग में सुंदरता आई है? और दर्शन शास्त्र हमेशा ये कहता है कि बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति कभी नहीं होती है, अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति होती है। और वास्तव में हमें यदि अंतरंग को शुद्ध करना है, उसके लिए हमारी ये नई शिक्षा नीति हमारे लिए एक दिशा देती है। और साथ ही अगर एक शब्द में उसको अभिव्यक्त करना चाहें तो शिक्षा को एक शब्द में कहना चाहें तो शिक्षा का मूल ही मूल्य है। अगर शिक्षा में मूल्य नहीं है तो उसका हमने मूल ही खत्म कर दिया, और आज हमने उनको जोड़ने का प्रयास किया है। और इस प्रयास में मैं आज आभार व्यक्त करता हूं सम्माननीय प्रोफेसर अनिल डी सहस्रबुद्धे जी का, जिन्होंने अपने बहुत व्यापक अनुभव के साथ में अपनी बात के लिए रखा। मैं आभार व्यक्त करता हूं सम्माननीय डॉक्टर रजनीश अरोरा जी का, सम्माननीय अखिलेश अर्गल जी का, सम्माननीय अभी जो हमारे वाइस चांसलर सर बोल रहे थे श्री सुनील कुमार जी का, जिन्होंने बड़े छोटे छोटे से अपने जीवन के अनुभवों के साथ में अपनी बात रखी, सम्माननीय श्री नजम जमाल जी का। और साथ ही आभार व्यक्त करता हूं हमारे संस्थान के डायरेक्टर सम्माननीय श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी का, जिनके प्रयास से आज 300 हमारे छात्राध्यापक विभिन्न स्कूलों में जाकर के और शिक्षा नीति के अंतर्गत जिन मूल्यों के लिए हमें परिपोषित करना है उनके लिए वो वहाँ विद्यालयों में जाकर के फैलाएंगे। सम्माननीय चतुर्वेदी जी का बहुत बहुत आभार। साथ ही आभार व्यक्त करता हूँ जो यहाँ से हमारा पूरा कंट्रोलिंग देख रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, आदरणीय परीक्षित जी जो स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं, परीक्षित अग्रवाल जी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ इसी तकनीकी के सत्र में हमारे आईएएसी परिवार के श्री फर्रुख सलीम खान साहब का। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ सम्माननीय उमेश जी का, डॉक्टर सविता व्यास जी जो यहीं पर उपस्थित हैं, सम्माननीय प्रवीण गंगराड़े जी, साथ ही आईएएसी का समस्त स्टाफ जो विगत जब से चर्चा चली है तभी से वो आशान्वित है कि एक नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलेंगी। और वास्तव में ये इस महाविद्यालय के लिए के बहुत बड़ी उपलब्धि आपके द्वारा दी गई है, तकनीकी रूप से भी आपके द्वारा बहुत सहयोग किया गया है। और जिस प्रकार से मैंने दो मीटिंग्स में देखा कि कितने लोगों के लिए आपने इसमें संयोजित किया है, जितने लोग हमारे लाभ ले रहे हैं उतने लोग आपकी ओर से भी जुड़े हुए हैं, उन सभी का यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से वो यहाँ पर नहीं है पर परोक्ष रूप से मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारी पूरी टीम का, जो हमारे छात्राध्यापक जिनके लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और जिनके ऊपर पूरा दारोमदार है कि वो विद्यालयों में जाकर के इस मूल्य शिक्षा के लिए जो वास्तव में शिक्षा का मूल है उसको विद्यालयों तक लेकर के जाएंगे। मैं अपने यहाँ के समस्त छात्राध्यापकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े अन्य समस्त अधिकारियों कर्मचारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।